वेलकम टू टेक्निकल शिजा। मेरा नाम है सोनिया और आज हम स्टार्ट करेंगे हमारी कैपकट की थर्ड क्लास। कैपकट के अंदर आने वाले ऊपर वाले जो तमाम ऑप्शन है, आज हम उनके बारे में एक्सप्लोर करेंगे। तो शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? ठीक ठाक है? आप सुनाएं, कैसे हैं? ठीक है। हाँ जी, मैं भी ठीक ठाक। अब हम न्यू प्रोजेक्ट पे आ जाते हैं। अच्छा, उससे पहले मैं आपको एक और चीज दिखाती हूँ, एक मिनट। अगर मेरा कैमरा जो है, आप खामोशी से बोल, इतने पैसे कमा रहे हैं तो हमें कह रहे हैं कि ऑप्शन नहीं होगा। अब मैंने किसी की वीडियो उठा के कभी भी नहीं लगाई सामने, तो नहीं जो मेरे बेटे के चैनल, जो दोनों बेटों के चैनल है ना, उनमें तो वो सामने आते हैं, मेरे हस्बैंड आते हैं और ये दोनों जो है बच्चे सामने आते हैं। जो मेरा इस्लामिक चैनल है उसमें भी क्या होता है कि उसमें बुक्स रिव्यू करती हूँ जो मेरे चलते हैं, तो वो बुक रिव्यू की जो वीडियो होती है ना वो सामने आती है। जरूरी नहीं है कि कोई इंसान ही सामने आए, आप किसी जगह की वीडियो बना दो, आपके हाथ आ जाए, आपके पाँव आ जाए, उसमें मेरे हाथ पाँव नजर आते हैं, चेहरा नहीं नजर आता मेरा उसमें। अच्छा, ये हो गया। दूसरा मेरा है टेक का चैनल। टेक का चैनल जो है ना वो थोड़ा आपको महंगा पड़ता है, उसमें आपको चीजें जो है ना थोड़ी महंगी महंगी लगानी पड़ती है, लेकिन फिर उसका जो आउटकम आता है ना वो भी अच्छा निकल के आता है। तो उसमें आपको पेड चीजें लगानी पड़ती है, जैसे कि मैंने कैनवा खरीदा हुआ है और भी मैंने चीजें खरीदी हुई हैं। तो जो खरीदी हुई चीजें जब मैं लगाती हूँ ना तो वो यूट्यूब अलाउ करता है आपको लगाना, लेकिन अगर फ्री में आप किसी चीज की चीजें उठा के लगाओगे तो वो आपको अलाउ नहीं करता। और मैं अभी आपको एक बात बताती हूँ। देखो, मैंने आपको ना शुरू में भी एक चीज बोली थी कि अब ऐसा नहीं हो सकता कि मैं एक ही दिन के अंदर आपको पूरा यूट्यूब सिखा दूं। ऐसा ही है बहुत सारी YouTube की पॉलिसीज। जब आप मुझसे एक सवाल पूछते हो, और मैंने आपको ये भी आज बोला है कि जब आप मुझसे सवाल पूछते हो ना तो अब मैं कोशिश करूंगी कि मैं उसका जवाब क्लास के दौरान ही दूं, मैं मैसेज पर ना दूं, क्योंकि वो मैसेज पे आपने मुझे एक सवाल पूछा कि भी इसकी वीडियो मैं उठा के लगा सकता हूँ, मैंने आपको बोला कि नहीं लगा सकते, इससे अर्निंग नहीं होगी। ठीक है, आपने उसको थोड़ा सा गलत मतलब ले लिया। हालांकि सच ये है, पूरी बात यह है कि अभी यूट्यूब की हजार पॉलिसीज है जो मैंने आपको समझानी है, प्लस ये कि जो पेड सॉफ्टवेयर होते हैं वहां पर जो वीडियोस होती है वो आप लगा सकते हो, या कोई वीडियो आप खुद से बना सकते हो। जो टेक चैनल पे क्या होता है, बहुत सारी वीडियोस मैं खुद से बनाती हूँ, कार्टून की वीडियोस होती है ना जैसे, लेकिन ये देखे, ये वाली वीडियो देखे अभी चल रही है ना, ये मैंने खुद बनाई है, इस पे कभी कॉपीराइट क्लेम नहीं आएगा। ये आप देख लें, वीडियो को नजर आ रही है आपको भी ये कि नहीं, मेरे टेक के चैनल पर मैं इस तरह की वीडियो बनाती हूँ। ये आप वीडियो जो है ना देख लें, ये वीडियो सारी की सारी जो है ना ये मैंने खुद लगाई हुई है। हाँ, पिक्चर्स जो है वो मैंने अडोबे फोटोशॉप से ली हुई है, जो कि मैं आपको सिखाऊंगी इन फ्यूचर पिक्चर्स कैसे लेते हैं, लेकिन इसके ऊपर जो लिखाई की है, जो इसकी ग्रेडिंग की है, क्रॉप की है इसको, या फिर इसके ऊपर कोई फिल्टर्स लगाया है या ट्रांजेक्शंस लगाई है या मतलब कुछ भी ओवरले लगाई है, वो सारी मैंने खुद लगाई हुई है। ठीक है, तो इस वीडियो के ऊपर मुझे कॉपीराइट क्लेम नहीं है। और हाँ, ये तस्वीरें भी मेरी अपनी है, ये चेक कर ले आप यहाँ पर भी। ठीक है, इसमें से काफी सारी तस्वीरें जो है वो मेरी अपनी है, कुछ तस्वीरें जो है वो मैंने अडोबे स्टॉक से ली है मैंने। हाँ, इस वीडियो के ऊपर कॉपीराइट क्लेम कभी भी नहीं आएगा। अगर आप किसी भी चीज को शुरू शुरू में थोड़ा सा सुन के हार मान लोगे ना तो इस तरह से नहीं चलेगा। अच्छा, अब हम ना इसके ऊपर आ चुके हैं। ठीक है, कैपकट के ऊपर, कैपकट जो है ना, अच्छा ये वीडियो मैंने कैपकट के ऊपर नहीं बनाई है, कैपकट के ऊपर बन सकती है ये वीडियो, लेकिन इसमें मैंने बनाई नहीं, मैंने कैनवा के ऊपर बनाई है, वो भी कंप्यूटर से। कैनवा जो है ना वो कैपकट की तरह सॉफ्टवेयर है, सेम चीजें हैं, सब चीजें उसमें सेम ही है। उसमें ज्यादातर थंबनेल्स बनाए जाते हैं, जो यूट्यूब पे आप थंबनेल देखते हो ना वो बनाया जाता है। आपको पता है थंबनेल क्या होता है? ये जो मसलन के स्क्रीन जैसे के होता है, मसलन के कोई लोगो वगैरह हो गया या कोई ऐसा। नहीं, लोगो नहीं, नहीं नहीं, थंबनेल ये होता है, ये देखिए ये थंबनेल लगा हुआ है, हाउस ऑफ फीवर लिखा हुआ है। जब वीडियो प्ले करूंगी तो वीडियो प्ले होना शुरू हो जाएगी, लेकिन जब मैं इस तरह से स्क्रॉलिंग करूंगी तो ये देखिए यहाँ पर ये जो थंबनेल नजर आ रहे हैं, मसलन ये लिखा हुआ है, ये जो तस्वीर नजर आ रही है इसको कहते हैं थंबनेल। नहीं, जो तस्वीर नजर आ रही है ये देख लिया शैतान, ये वाली तस्वीर जो है इसको थंबनेल बोलेंगे। जब वीडियो मैं ऑन करके चलाऊंगी तो वो वीडियो होगी। अच्छा, अब जल्दी से मैं कैनवा की एक दो चीजें मैं आपको बता देती हूँ,
तो अब हम ना एडिट के ऑप्शन पे आते हैं। अब हम पता क्या करेंगे, एक एक ऑप्शन को एक्सप्लोर करेंगे। जब आप प्रॉपर एक्सप्लोर कर लोगे ना सारे ऑप्शंस को, ठीक है, तो मैं आपको वीडियो दूंगी एडिट करने के लिए, आपने एडिट करके ना मुझे दिखानी है जब हम सारा कर लेंगे। अच्छा एक और चीज मैं आपको बताती हूँ, आप मुझे पता है क्या लग रहा है कहाँ से घबरा जाते हो, जब मैं आपको कहती हूँ ना कि ये मैंने आपको चीजें सिखा दी है, अब आपने मुझे नेक्स्ट टाइम जो है वीडियो बना के दिखानी है, या आपने लाजमी नेक्स्ट टाइम जो है आपकी वीडियो अपलोड होनी चाहिए, इस बात से मुझे लगता है आप घबरा जाते हो। तो मैं आपको अपना मकसद बता देती हूँ उसके पीछे क्या होता है। लोग क्या होते हैं, लोग चीजें सीख लेते हैं, करते नहीं है, वो सिर्फ सोचते रहते हैं करूंगी करूंगी ये करूंगा, वो सिर्फ सोचते ही रहते हैं, वो करते कुछ नहीं है। इसीलिए मैंने सोचा था कि कोर्स के अंदर ही जो स्टूडेंट्स है ना उनको काम करवाना शुरू कर दिया करूंगी, ताकि कम अज कम ये तो उनकी आलस तो खत्म हो ना कि जी सोचते रहना और करना कुछ नहीं है। तो बाकी ये इतना कोई पत्थर पे लकीर नहीं है कि जी अभी अभी मुझे वीडियो बना के देनी है, ये आपके अपने अच्छे के लिए मैं आपको कह रही थी। अच्छा अब हम ना ऐसा करते हैं ऊपर से लेके नीचे तक कैनवा के ऑप्शंस को एक्सप्लोर करते हैं, क्या क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास। अच्छा सबसे पहले एक क्रॉस का ऑप्शन है, इसको मैं प्रेस करूंगी, प्रोजेक्ट से मैं बाहर आ जाऊंगी, कोई और प्रोजेक्ट पे वर्क करना होगा उस पर करना शुरू हो जाऊंगी, अदरवाइज मैं इसके ऊपर वापस जाती हूँ। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर कट कट के आवाज आ रही है, पता नहीं क्यों मसला है, नेट तो ठीक है हमारा, मैं चेक कर लेती हूँ किस वाईफाई से कनेक्टेड है। एक मिनट, अच्छा ठीक है वो मैं दूसरे वाईफाई से कनेक्टेड है। नेक्स्ट हमारे पास ये क्वेश्चन मार्क का ऑप्शन आ जाता है, जब आप इस क्वेश्चन मार्क के ऊपर क्लिक करोगे ना तो आप हेल्प सेंटर पे पहुंच जाओगे। हेल्प सेंटर इसलिए होता है कि आपको वो गाइड कर सके, या अगर आपको कोई इशू आ रहा है ना तो उसके रिलेटेड वो इशू सॉल्व कर सके। इसके अलावा आप कैपकट जो है वो परचेज भी आप कर सकते हो, पहले टोटली फ्री था लेकिन अब उन्होंने ना इसके ऊपर लगा दी है कुछ चार्जेस, तो अगर आप पे करना चाहो यहाँ से कर सकते हो, या फिर यहाँ पर उसकी पॉलिसीज वगैरह पढ़ सकते हो। अच्छा ये फायर का ऑप्शन है, इससे ये होता है ये अभी आपके लिए भी ये ठीक नहीं है, क्योंकि ये उन्होंने बेसिकली रखा हुआ है कंप्यूटर्स के लिए, कि यहाँ पर आप क्लिक करके अपने कंप्यूटर के लिए इसका सॉफ्टवेयर मंगवा सकते हो, उसके ऊपर इंस्टॉल कर सकते हो। ये वाली जो सेटिंग है ना ये मैंने आपको सिखा दी हुई है, अगर आपको याद हो तो, ये एक्सपोर्ट की सेटिंग है, तो इससे ये होता है कि आपकी वीडियो किस तरह से बेहतरीन तौर पे डाउनलोड हो सकती है, ये वो वाली सेटिंग है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर डाउनलोड का बटन है, डायरेक्ट डाउनलोड हो सकती है। अच्छा अब नीचे आ जाते हैं, नीचे यहाँ पर जो स्क्रीन है ना, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास तीन बटन है, एक तो दो एरो है जो ऊपर और एक नीचे जा रहा है, एक प्ले और पॉज का बटन है और एक डू और अनडू का बटन है। पहले हम इसके ऊपर आ जाते हैं, ये जो है ना सबसे पहला जो एक एरो हमारे राइट की तरफ ऊपर जा रहा है और लेफ्ट की तरफ नीचे आ रहा है, इसका मतलब होता है स्क्रीन बड़ी करना। इसको जैसे मैं क्लिक करूंगी तो मुझे स्क्रीन बड़ी होकर शो हो जाएगी। इनका मकसद क्या होता है कि कोई कभी कभी आप जब एडिटिंग करते हो ना तो बारीक बारीक चीजें आप एडिटिंग करते हो, वो आपको इतनी छोटी स्क्रीन पे तो नजर नहीं आ रही होती, लेकिन जब आप स्क्रीन बड़ी करते हो ना तो आपको पता चल जाता है कि हाँ ये चीज मेरे से यहाँ पे गलत हुई है या सही हुई है। अब जब मैंने आपको वीडियो दिखाई है ये वाली, आपको इसमें कोई गलती नजर आई है? सही क्लियर नजर आ रहा, लेकिन इसमें गलती है, जो भी पिक्चर पे मैं रुकी हुई हूँ वहां पर ये जहाँ पे लिखा है ना एक्सपर्ट एडवाइस ऑन कर्टन डेकोर, ठीक है, ये मैंने क्या किया, ये दरमियान में रखने की बजाय ना मेरे से थोड़ा सा ये लेफ्ट की साइड पे रखा गया है। एडिटिंग में ये चीजें बहुत मायने रखती हैं, आप कोई भी चीज ऐसे उठा के लेफ्ट राइट ऊपर नीचे नहीं रख सकते, आपको अलाइनमेंट करनी जरूरी है। अगर अलाइनमेंट नहीं होगी तो दो मिनट में सामने वाला पहचान जाएगा कि ये बंदा अनएक्सपीरियंस्ड है, अनाड़ी जैसे कहते हैं उसका, हाँ अनाड़ी है, वो समझ जाएगा कि बंदा अनाड़ी है। अच्छा सिर्फ ये एक ही जगह पे मेरे से अलाइनमेंट में गलती हुई है, बाकी आप देखोगे तो पूरी वीडियो की जो चीजें है ना वो अलाइंड है, जितनी भी आप चीजें यहाँ पर अब नजर आ रही होंगी आपको ये सारी की सारी अलाइंड नजर आएंगी एक दूसरे में, मतलब कोई भी बिखरी हुई नहीं है, ठीक है, ये होता है इस ऑप्शन का मतलब। नेक्स्ट है हमारे पास प्ले और पॉज का ऑप्शन, इसमें आप प्ले कर सकते हो वीडियो को और पॉज कर सकते हो। अच्छा अब एक और ऑप्शन है हमारे पास, वो है डू और अनडू का। इंग्लिश का एक मुहावरा है कि स्केटिंग अगर कभी सीखनी हो तो स्केटिंग आपको पता है होती क्या है? वो एक जूते होते हैं जिनके नीचे पहिए लगे होते हैं, उसको बोलते हैं स्केटिंग, वो करते हुए देखे किसी को कभी? टीवी वगैरह पर देखे हैं। तो बेसिकली वो क्या होता है कि आपने हल्की सी रेस देनी होती है और फिर आप फुल स्पीड से आगे चले जाते हो। अब वो जिसको चलाना तो आता है वो तो हल्की सी रेस देता है फुल स्पीड में आगे चला जाता है, जिसको नहीं चलाना आता वो गिरता है मुंह के बल, और इसमें आपके दांत वगैरह मुंह नाक की हड्डी टूटने का खतरा होता है। तो इंग्लिश का एक मुहावरा है, जब भी स्केटिंग करना सीखो
उससे पहले गिरना सीख लो, ठीक है। ये डू और अनडू का भी बटन ऐसा है कि बजाय इसके कि अब पहले एडिटिंग करना सीखो, पहले ये सीखो कि जब मुझसे गलती होगी तो मैंने सुधारनी कैसी है। ये वही है। अब मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पर स्प्लिट किया जो कि मैंने आपको सिखा दिया और आपने भी मुझे करके दिखाया था ये ऑप्शन। अब मैंने यहाँ पे स्प्लिट किया, यहाँ पर मैंने इसको डिलीट कर दिया, ठीक है। अब मुझे याद आया कि ये मुझे डिलीट नहीं करना था, मुझे पता चला कि ये मेरे से हो गई गलती, ठीक है। अब यहाँ पर जो डू और अंडू का बटन है ना, ये हो जाएगा ऑन, ये इसमें आ जाएगी लाइट, जैसे कि इसमें व्हाइट वाले में लाइट आ गई है। अब जैसे मैं इसको क्लिक करूंगी ये वापस आ जाएगा। फिर मुझे याद आया कि नहीं, मैंने गलत नहीं काटी थी, मैंने ठीक ही काटी थी। अब बजाय इसके पकड़ूं मैं इसको डिलीट करूं, मैं इसको रीडू का बटन दबा दूंगी, ठीक है। रीडू डिलीट हो गया। फिर मुझे अगर लगेगा कि नहीं यार ठीक है मुझे वो रखनी चाहिए, तो फिर अंडू दबा दूंगी, और जितनी बार भी अंडू दबाऊंगी जो जो मैंने किया होगा वो वापस जाता जाएगा, मतलब ये अंडू और ये रीडू, ठीक है। वो लिखा हुआ भी आ रहा है रीडू स्प्लिट रीडू डिलीट, ये देखें, ठीक है। इसको जितनी बार मैं चाहूँ उतनी बार कर सकती हूँ, लेकिन एक शर्त है। वो एक शर्त ये है कि अगर ये मैंने डिलीट कर दिया, सारा कुछ कर दिया, फिर मैंने कैपकट को इस तरह से बंद कर दिया, तो अब ये अंडू और रीडू नहीं होने वाला। अब अगर मैं कैपकट को दोबारा ओपन करती हूँ, कीपैड करती हूँ, वैसे इन्होंने हाल ही में अपडेट किया, अगर हो भी जाए तो कोई इसमें बड़ी बात नहीं, लेकिन नहीं होगा, नहीं हुआ, वो डिलीट हो गया था ना यहाँ से, वो वाला हिस्सा, अब वो अंडू और रीडू नहीं होगा, वो डिलीट हो गया, खत्म हो गया। हाँ, अब वो डिलीट हो गया क्योंकि मैंने कैपकट बंद कर दिया है, अब वो कभी भी वापस नहीं आएगा, ठीक है। थोड़ी सी मैं आपको और सेटिंग्स बताती हूँ, उसके बाद ये क्लास हम बंद करते हैं। अब जो हम ये एरो वाला बटन मैंने दिखाया था ना, ठीक है, इसके नीचे देखें, नीचे क्या चल रहा है, टाइमिंग चल रही है ना जी, ये लिखा हुआ है 00:00, फिर स्लैश है, फिर 00:47 लिखा हुआ है, ऐसे ही है। अच्छा, अब ये जो स्लैश है ना, स्लैश के उस तरफ वो टाइम है जो कि वीडियो का पूरा टाइम है, और स्लैश के इस तरफ वो टाइम है जहां ये व्हाइट कलर की चीज है ना, ये जो व्हाइट कलर की चीज है, ये जहां पर रुकी होगी ना, कि उस जगह का आपको टाइम बताएगा कि इस जगह पे आप रुकी हो, जैसे कि मैं 23 सेकंड पे रुकी हुई हूँ, तो ये ऊपर मुझे 23 शो कराएगा। ये किस लिए होता है, ये टाइम हमें इसलिए शो कराता है क्योंकि जो आप शॉर्ट्स होती है ना, वैसे तो आपको इजाजत होती है कि आप 59 मिनट की सेकेंड्स की शॉर्ट्स बना सकते हो, लेकिन ना ऑनलाइन काम में ना, अगर वो आपको कहेंगे ना कि आप 500 तक ये काम कर सकते हो, आपने करना कितना है, आपने करना है 100 तक, ठीक है। उस तरह जिस तरह इन्होंने कहा हुआ है कि आप 59 सेकंड की वीडियो बना सकते हो, लेकिन बनानी कितनी है आपने, सिर्फ 10 सेकंड की, 5 सेकंड की, 6 सेकंड की, या फिर 15 सेकंड की, बस इससे ऊपर नहीं बना लो, फिर ही वीडियो वायरल जाएगी। शॉर्ट्स वीडियो की बात कर रही हूँ मैं, हाँ, वो 15 सेकंड की, 13 सेकंड की, इतने या 10 सेकंड की, इससे ऊपर नहीं जानी चाहिए, ठीक है, ठीक है। और लॉन्ग वीडियो की हमें इजाजत होती है कि हम उसको 1 घंटा भी बना सकते हैं, 10 घंटा भी बना सकते हैं, लेकिन आपने बनानी कितनी है स्टार्टिंग में, 3 मिनट 5 मिनट, बस इतने तक आपने रखनी है। अच्छा, अब नेक्स्ट चीज हमारी क्या है, ये जहां पर अब टाइम लिखा हुआ है, ठीक है, ये टाइम के साथ साथ ये 00:00, 00:02, 00:04 लिखा हुआ है ना जी, जी। अच्छा, ये है हर सेकंड की वीडियो। अब मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर रही हूँ, जैसे मैंने ये देखिए वीडियो को अगर मैं पकड़ के पिंच आउट पिंच इन कर रही हूँ ना, ये बड़ी छोटी हो रही है, ऐसे ही है। अब ये जो नीचे वाली वीडियो है, ये देखिए नीचे वाली वीडियो को सिलेक्ट और डिसलेक्ट कर रही हूँ मैं, इस वीडियो को जब मैं इसी तरह पिंच इन पिंच आउट करूंगी तो ये टाइम बढ़ता रहेगा और कम होता रहेगा। जब आप नजदीक दूर करेंगे, ऐसे कह रहे हैं आप? हाँ जी, ऐसे कह रही हूँ। इसकी भी आपने प्रैक्टिस करनी है, वीडियो एडिटिंग के अंदर ये चीज आपको इतना हेल्प करेगी आप सोच भी नहीं सकते। अगर जब नजदीक करेंगे तो टाइम बढ़ेगा, यानी कि ज़ूम करेंगे तो फिर टाइम कम हो जाएगा।
जब सिर्फ आप इतना ये देख लें कि ये कुछ हरकत हो रही है, मेरे पिंच इन और पिंच आउट करने से कुछ ना कुछ हो रहा है, क्या हो रहा है वो मैं आपको समझा देती हूँ अभी। देखिए ये मैंने इसको पिंच इन किया, पिंच आउट किया, आप बस ये समझे कि कुछ ना कुछ हो रहा है इधर। अच्छा ये क्या हो रहा है वो मैं समझा देती हूँ आपको। पहले मैं इसको पूरा जूम आउट कर रही हूँ। ये क्या आ रहा है, ये आ रहा है 0 मिनट्स आ रहे हैं, ये 20 सेकेंड्स आ रहे हैं, ये 40 सेकेंड्स आ रहे हैं, ठीक है सही जी। अब इसमें क्या है कि अब मुझे अगर ये वीडियो 20 सेकेंड्स की बनानी है ना, तो जरूरी नहीं है कि मैं जी 20 सेकेंड ढूंढती रहूं, पहले यहाँ पर जाऊं, फिर यहां से यहां पर आऊं, अच्छा 12 हो गए, अच्छा 15 हो गए, अच्छा अब 20 हो गए, नहीं इसकी जरूरत नहीं है मुझे। ऊपर 20 लिखा हुआ है, 20 पे लाके मैंने ये व्हाइट वाली रखनी है, ठीक है। और ये यहां से लाके मैंने यहां पर ले आनी है, ठीक है। ये मेरी वीडियो हो गई है 20 सेकेंड की, बढ़ाना होगा तो मैं इसको बढ़ा लूंगी, ठीक है। 20 सेकेंड की मेरी ये वीडियो हो गई है। तो इससे मुझे पता चलेगा कि कितने सेकेंड, कितने मिनट, ये कितने फ्रेम्स पर मेरी वीडियो है। जो 1 सेकेंड होता है ना, जैसे कि 1 सेकेंड ऐसे बस, ये 1 सेकेंड है, एक चुटकी मारी 1 सेकेंड गुजरा, या एक पलक झपकाई 1 सेकेंड गुजर गया। जो वीडियो कैमरा होता है ना, वो एक पलक झपकाने के 1 सेकेंड के अंदर 30 से लेके 60 तस्वीरें तक खींचता है। उसको मैं आपको बताती हूँ क्या कहते हैं, इसको मैं जूम आउट कर रही हूँ, ठीक है। उसको कहते हैं फ्रेम, ठीक है। फ्रेम जैसे हमारे घरों में लगे होते हैं ना फ्रेम, तस्वीर जी। वीडियो कैमरा उतनी, उस जो फ्रेम होता है वो 1 सेकेंड के अंदर, यानी ऐसे पलक झपकाने के टाइम के अंदर 30 से 60 फ्रेम तस्वीरें वो खींच लेता है। जब वो तस्वीरें एक साथ जुड़ती हैं तो वो वीडियो बन जाती है, होती वो तस्वीरें ही है, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखिए 00 आ रहा है, अब यहाँ पर 0002 नहीं आ रहा, यहाँ पर आ रहा है 2F। 2F का क्या मतलब है, 2 frames। यहाँ पर 4 frame, फिर 6, फिर 8, 10 frames। अब मैं इसको अगर जूम आउट करूंगी ना, तो ये सेकेंड शुरू हो जाएंगे, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, जब तक मैं 4 बोलूंगी 4 सेकेंड गुजर जाएंगे, इतने छोटे होते हैं 4 सेकेंड। अच्छा, और अब मजीद अगर नीचे की सेटिंग की बात की जाए, तो ऑडियो मैंने आपको समझा दिया हुआ है, म्यूट और अनम्यूट का मैंने आपको समझा दिया हुआ है। ये कवर तस्वीर, कवर की तस्वीर होती है, इसको आप छोड़ दें, इसकी जरूरत नहीं है फिलहाल, अभी किसी काम के लिए आपको जरूरत नहीं है कवर की तस्वीर की, इसको छोड़ दें फिलहाल। अब हमारे ये वाले नीचे वाले जो ऑप्शन है ना, इसको हम इंशाल्लाह कल से स्टार्ट करेंगे, तो ये आपका मंडे से लेके थर्सडे तक का जो काम है इसमें बन जाएगा, और इसकी रिकॉर्डिंग जो है वो आपको इंशाल्लाह मंडे ट्यूसडे को मिल जाएगी।